2021 आ चुका है और आई थिंक अभी नेकबैंड की डिमांड भी काफी बढ़ती भी जा रही है। नई नई कंपनीज भी बहुत सारे नेकबैंड लॉन्च कर रही है, इवन जो छोटी कंपनियां होती है विद इन 10-15 डेज ही दो दो तीन तीन नेकबैंड लॉन्च कर देती है। बट क्वेश्चन आता है क्या एक अच्छी क्वालिटी का नेकबैंड आपको मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है। इवन जब मैं नेकबैंड की बात करता हूँ यहाँ पे देखता हूँ पहनने में कितने कंफर्टेबल है, उनका म्यूजिक डिपार्टमेंट कैसा दिया गया है, इसके अलावा कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि आई थिंक कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एडिशनली अगर मैं यहाँ पे गेमिंग करूंगा तो डेफिनेटली मैं गेमिंग एक्सपीरियंस देखना चाहूंगा। हमेशा आपको एक ही चीज कहता हूँ फॉर गेमिंग पर्पज बर्ड्स नेकबैंड हेडफोन्स जितने से ऑप्शन नहीं होते इससे बेटर होता है आप यहाँ पे या तो ईयरफोन यूज कर लें या फिर वायर वाले हेडफोन यूज कीजिए, फॉर गेमिंग पर्पज वही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं। एक्जैक्टली ओप्पो एनको M31 आफ्टर वन ईयर ऑफ यूज आपके लिए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मोर देन वन ईयर यूज कर चुका हूँ। एडिशनली 2021 के अंदर क्या अभी इनको लेना सही ऑप्शन है या फिर आपको कोई दूसरा नेकबैंड प्रेफर करना चाहिए, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, देन डिसाइड कीजिएगा एग्जैक्टली अब आपके लिए ये नेकबैंड कैसे रहेंगे। तो चलिए बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ऑल सेट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले आपको मैं इसके स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। आपको इनके अंदर 9.2 के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। एडिशनली इनके अंदर मैग्नेटिक बर्ड्स दिए गए, जैसे आप इनको अटैच करते हो टच करते हो ये ऑफ हो जाते हैं, जैसे आप इनको सेपरेट करोगे ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल्स के अंदर 3 बटन दिए गए, आप इजीली सॉन्ग को प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में क्विक स्विच भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल्स प्रॉपर आपको देखने को मिल जाते हैं। एडिशनल आपको बेस मोड भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, बैटरी बैकअप कंपनी ने क्लेम किया है अप टू 12 आवर्स का। एडिशनल इसके अंदर ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक के अंदर LTAC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट दिया गया, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं कोई प्रीमियम हेडफोन्स में नॉर्मल देखने को मिल रहा था। मैंने आपको मेजर स्पेसिफिकेशन बता दिए, अब बात करते हैं एक्चुअल रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग यूज की। पहली चीज, आफ्टर वन ईयर ऑफ यूज भी अभी तक ये इजिली सर्वाइव करके जा चुके हैं। जी हाँ, इवन इसकी जो ग्रिप वगैरह नॉर्मली नेक वाला पोर्शन वाला जो वायर होता है यहाँ पे जो अपने ग्रिप होते हैं लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट स्टिल आफ्टर वन ईयर आप देखोगे यहाँ पे अभी भी इसकी जो ग्रिप है आपको प्रॉपर देखने को मिल जाती है। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी इशू देखने को नहीं मिला, प्रॉपर ग्रिप देखने को मिल रही है। इवन आफ्टर वन ईयर ऑफ यूज भी मैं यहाँ पे इसको इजिली रनिंग पर्पज के हिसाब से वर्कआउट पर्पज के हिसाब से यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो जो ईयरबड है जो ईयर के अंदर जा रहा है कितना आपको फ्लैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको इजिली लॉन्ग आज तक पहन सकते हैं। एडिशनली अगर मान के चलिए आप छोटे टाइम इसको यूज करने सोच रहे हैं तो भी आपको ईयर्स में इतना इशू आता नहीं है, तो ईयर्स पहनने में बहुत कंफर्टेबल, आप लॉन्ग आज तक भी पहन के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलिंग की बात करते हैं तो उसका नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है, आप इजीली इसको इनडोर कंडीशन में यूज कर सकते हैं, आउटडोर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जो नॉइज कैंसिलेशन वगैरह है वो भी मुझे प्रॉपर देखने को मिला है। तो आई थिंक यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड है फॉर कॉलिंग पर्पस। इवन काफी सारे नेकबैंड मार्केट में लॉन्च होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपको नॉइज कैंसिलेशन कॉलिंग में देखने को मिलेगा, बट जब यहाँ पे मैं उसका लाइव कॉलिंग टेस्ट करता हूँ वहां पे रियलिटी काफी डिफरेंट निकल के आती है, बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। ओप्पो आपको कॉलिंग के अंदर डिसअपॉइंट नहीं करने वाला, डेफिनेटली फॉर कॉलिंग पर्पस मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। स्टिल आफ्टर वन ईयर ऑफ यूज इवन जो नए नए नेकबैंड लॉन्च हो रहे हैं 2020-21 के अंदर आई थिंक मोर देन 90-95% सिर्फ एक मनी वेस्ट है। आपको अच्छा लगता है बैटरी बैकअप डेफिनेटली देखने को मिल रहा होगा, बट उसके अलावा हर एक सेगमेंट में बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप यहाँ पे कोई नेकबैंड प्रेफर करते हैं उससे पहले उसका कॉलिंग एक्सपीरियंस जान ले ताकि आपको बाद में इश्यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट की। तो इसके अंदर आपको 9.2 के ड्राइवर्स दिए गए, एडिशनल ऑडियो कोडेक के अंदर LTAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक देखने को मिल जाता है। तो वैसे यहाँ पे जो LTAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक है वो सिर्फ तभी यूज में आएगा आपके पास एक अच्छे खासे हाई क्वालिटी के म्यूजिक यहाँ पे फोन में रखा हुआ हो, ताकि जो डिटेलिंग वगैरह आपको प्रॉपर इस नेकबैंड में सुनाई दे। अगर आपको चेक करना है कि आपके फोन के अंदर कौन कौन से ऑडियो कोडेक वगैरह है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं पुट इन कर दूंगा, वहां से वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पे SBC AAC ऑडियो कोडेक में म्यूजिक सुनने वाले हैं जो कि नॉर्मली हम सुन लेते हैं, उसके अंदर भी इसके जो ड्राइवर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। इवन अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट सॉन्ग भी सुनते हैं, अगर मैं इंडियन म्यूजिक की बात करता हूँ, रोमांटिक सॉन्ग होंगे, सैड सॉन्ग होंगे, पुराने सॉन्ग होंगे, एक तरीके के सॉन्ग आपको डेफिनेटली इसके अंदर काफी अच्छे से फील होंगे। आई थिंक आपको प्रॉपर बैलेंसिंग दी गई है, प्रॉपर क्लियरिटी दी गई, सिंगर की नेचुरल टोन वगैरह आपको प्रॉपर सुनाई देगी। इवन जो साउंड सेपरेशन वगैरह भी है, जी हाँ, मान के चलिए सिंगर की टोन हो गई है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज वगैरह हो गई है, इंस्ट्रूमेंट में अगर मान लीजिए 10 इंस्ट्रूमेंट है, कुछ यहाँ पे लो पिच पे बज रहे होंगे, कुछ हाई पिच पे बज रहे होंगे, तो उनमें कहीं पे भी आपको बैलेंसिंग में इशू देखने को नहीं मिलेगा। इवन इसका आपको बेस मोड भी देखने को मिल जाता है, जो बैकग्राउंड बीट्स वगैरह थोड़ा हाई पिच पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं कंप्लीट ऑलराउंडर म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करता हूँ
आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। एक स्लाइटली मुझे इशू देखने को मिला था, वो ये था कि एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बट ये जो बर्ड्स वाली डिजाइन होती है कम लाउडनेस में आपको प्रॉपर म्यूजिक स्पेस फील करा देगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अंडर 2000 डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड है फॉर म्यूजिक पर्पज, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन टेस्ट। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अभी भी कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप रेंज के अंदर है, मान के चलिए आप 10 से 12 फीट 13 फीट की रेंज के अंदर है, आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। इवन मैंने इनको पहन के ट्रैवल भी किया है, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, कार के अंदर, मुझे उस टाइम पे भी कोई भी साउंड में डिस्टोर्शन वगैरह देखने को नहीं मिला। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड रेंज आपको देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे मैं गेमिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे स्लाइटली लेटेंसी आपको हाई देखने को मिलती है, बट अगर आप इसको यहाँ पे SBC ऑडियो कोडेक पे स्विच कर दोगे जो लेटेंसी थोड़ी कम और हो जाएगी। इसके अलावा लास्ट सेगमेंट की बात करता हूँ, कितने पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप इजीली इनको कैसे भी ट्विस्ट करके अपने शर्ट के अंदर, अपने जींस के अंदर, पॉकेट के अंदर इजीली रख सकते हैं। तो आई थिंक हमने यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे सबके सब कवर अप कर दिए। बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। सबसे बात करता हूँ ड्यूरेबिलिटी की, आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज डेफिनेटली अभी भी ये काफी ड्यूरेबल है। बट आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी गैजेट्स मैं यूज करता हूँ बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत केयरफुली यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे घर पे आया तो मैंने सामान को यहाँ से वहां पटक दिया है, बहुत प्रॉपरली यूज करोगे इजिली आप यहाँ पे 1 ईयर तक सर्वाइव करके जा सकते हैं। बट अगर थोड़ा रफली यूज करने वाले हैं तो हो सकता है 6-7 मंथ के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज आने स्टार्ट हो जाए, बट इन माई केस यस दे आर ड्यूरेबल। इसलिए जब बात करता हूँ 2021 के अंदर क्या नेकबैंड सही होंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक जब एक कंप्लीट ऑलराउंडर नेकबैंड की बात आएगी, आपको बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इजिली आप इसको पहन के रनिंग वगैरह कर सकते हैं, काफी लाइट वेट है। थर्ड जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है प्रॉपर दिया गया, जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ की बात आएगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर मैं कुछ इसके ड्रॉबैक्स की बात करता हूँ, बैटरी डिपार्टमेंट थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता था। एडिशनल बटन सेगमेंट आई थिंक जो पोजीशन है उनको थोड़े यहाँ पे होना चाहिए था। इसके अलावा अगर इन बटन्स को बहुत ज्यादा हार्डली प्रेस करोगे हो सकता है थोड़े से ब्रेक हो जाए या फिर क्रैक हो जाए, तो उनको थोड़ा सा आपको सॉफ्टली यूज करना पड़ेगा ताकि आपके लिए लॉन्ग टर्म तक ये सर्वाइव कर जाए। बाकी डेफिनेटली मैं कहूंगा 2021 के अंदर भी ओप्पो एनको M31 आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है, आप इसको डेफिनेटली अभी भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। वैसे मैं इसका ऑलरेडी डिटेल रिव्यू जिसके अंदर लाइव कॉलिंग, गेमिंग सैंपल सब कुछ मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक अवेलेबल होगा, वहां से आप सबको चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो करना तो आपका मोस्ट वेलकम है, प्लीज मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज कमेंट करके अपना ओपिनियन, डाउट, क्वेरी शेयर कर दीजिएगा, वो वीडियो कैसा लगा, क्या क्या एफर्ट अच्छा लगा, ताकि बाकी जो व्यूअर्स है उन्हें भी प्रॉपर आइडिया लग सके। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।